ढाई साल से भी ज्यादा वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अदद शतक का इंतजार कर रहे विराट कोहली का एक बार फिर इंग्लैंड में खेले गए बैटिंग टेस्ट में फ्लॉप होना टीम इंडिया में हलचल पैदा कर गया है। नतीजा ये है कि अब खुद विराट कोहली की टीम इंडिया में जगह पर सवाल खड़े हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि वो विराट कोहली जिन्होंने अपनी कप्तानी में ट्रिपल सेंचुरी जमाने वाले करुण नायर को अपनी टीम के प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था, वही विराट अब खुद टीम इंडिया पर बोझ बन चुके हैं। वैसे तो विराट कोहली ने हमेशा कहा है कि वो खुद को बेस्ट मानकर क्रिकेट खेलते हैं। लंबे समय तक उन्होंने अपने खेल से खुद को बेस्ट साबित भी किया है, लेकिन 23 नवंबर 2019 को इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए अपने आखिरी शतक के बाद से विराट के प्रदर्शन को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बेचारगी ही नजर आती है। 35 महीनों में खेले अपने 18 मैचों में विराट का फ्लॉप शो साफ झलकता है। इस बीच विराट ने 27.25 की औसत से सिर्फ 872 रन बनाए, जबकि क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में विराट शतक नहीं बना पाए। विराट कभी वर्ल्ड क्रिकेट के नंबर एक बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन नवंबर 2019 के बाद से विराट का प्रदर्शन ऐसा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब विराट टॉप 30 क्रिकेटर्स में भी शुमार नहीं है। विराट का नंबर इस लिस्ट में 34वां रहा है और तो और भारतीय बल्लेबाजों में भी विराट की गिनती 4th नंबर पर आती है। जाहिर तौर पर अब सवाल BCCI और भारतीय टीम मैनेजमेंट दोनों पर उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर विराट क्या खुद कप्तान होते तो वो इतने साधारण खेल दिखाने वाले बल्लेबाज को अपने प्लेइंग 11 में शामिल करते। विराट कोहली की कप्तानी के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। विराट ने 68 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली। 64 मैचों में विराट ने अपने प्लेइंग 11 में बदलाव किए। विराट की कप्तानी में 41 खिलाड़ियों ने भारत के लिए टेस्ट मैच खेले, इनमें से 4 क्रिकेटर्स को तो सिर्फ एक एक टेस्ट में मौका दिया गया। 5 खिलाड़ी अपने करियर में 2-2 टेस्ट ही खेल पाए। 9 खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें सिर्फ 3-5 टेस्ट ही खेलने का मौका मिला। कर्नाटक के बल्लेबाज करुण नायर ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 13 शतक जमाया था। वीरेंद्र सहवाग के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले नायर भारत के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज थे। लेकिन इसके बावजूद जब टीम इंडिया अगला टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरी तो करुण नायर को टीम के प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी जमाने वाले बल्लेबाज को टीम से बाहर कर दिया था, लेकिन अब वो खुद करीब 3 साल से एक भी सेंचुरी नहीं बना पाए हैं, फिर भी लगातार खेल रहे हैं। अपनी कप्तानी में विराट कोहली हर बदलाव के पीछे टीम हित का तर्क देते थे। अब हालात बदल चुके हैं तो सवाल यही है कि क्या अब ये तर्क एक बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे विराट कोहली पर भी कभी लागू होगा या नहीं।